इस दुनिया में चित्रकारों ने बहुत सारी पेंटिंग बनाया है। इसमें बहुत कम ऐसी पेंटिंग है जो लोगों को होश उड़ा के रख देते हैं। आज हम ऐसे ही एक पेंटिंग को लेके बात करेंगे जो दुनिया की बड़े बड़े पेंटिंग में से एक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रणव खान और आप देख रहे हैं द थ्योरी ऑफ आर्ट, जहाँ पर हम लेकर आते हैं चित्रकला की इतिहास, तथ्य और अवदन। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिस्ट जैक लुइस डेविड ने एक ऐसी पेंटिंग बनाया था जो दुनिया की बड़े बड़े पेंटिंग में से एक है। लुइस डेविड ने नेपोलियन बोनापार्ट और जोसेफिन को लेकर इस पेंटिंग को बनाया था। और इस पेंटिंग को टाइटल दिया था द कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन, यानी नेपोलियन और जोसेफिन का अभिषेक। डेविड इस पेंटिंग का काम शुरू किया था 1805 में और ये खत्म होने में पूरी 2 साल लगी थी, यानी 1807 में। इसी पेंटिंग में लगभग 150 कैरेक्टर चित्रित हुआ है। आप बात करते हैं पेंटिंग का फैक्ट को लेकर, जिसका इंतजार था आपका। इस पेंटिंग का लेंथ 10 मीटर और लंबाई 6 मीटर है, यानी सेकेंड फ्लोर बिल्डिंग का समान है। आर्टिस्ट लुइस डेविड का इस पेंटिंग आप पेरिस का लूवर म्यूजियम में देखने मिलते हैं। इसी वजह से ये पेंटिंग दुनिया का सबसे खास पेंटिंग में से एक है, जो आज भी लोगों को होश उड़ा के रख देते हैं। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक एंड कमेंट करें, और ऐसे ही आर्ट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।